हाई एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट देखिए एक चीज़ अगर हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से वी ऑल एडोर इसरो एंड दर्क इट डज बट स्टिल इवन इफ दैट वी आर द क्रीम ऑफ द कंट्री जितने आप लोग हों स्टूडेंट्स हों आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है कैसे चीजें होती हैं फिर भी वी आर अन अवेयर अबाउट दी ऑपरचुनिटीज इन इसरो ठीक है ऐसा नहीं है कि इसरो के लिए इसरो के अंदर अगर आपको जाना है तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स कर लेंगे या पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कर लेंगे तो आप इसरो में एंट्री पा लेंगे नहीं मल्टी अप्रोच है इसरो की और उसके अंदर यू कैन फाइंड माइक्रोबायलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट एन नंबर ऑफ एरनाज आर देयर एन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर देयर है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसके अंदर एंट्रीज हैं स्टिल पीपल आर अबाउट इट तो उसी के लिए एक प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड स्टार्ट जिसकी एब्रीवेशन है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग ठीक है कौन कर रहा है इसको इसरो का एक न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड स्टार्ट है ना देखते हैं इसके बारे में कि स्टार्ट प्रोग्राम है कैसे ये अवेयर करना चाह रहे हैं किस चीज के लिए अवेयर करना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाई करी है उससे पहले लेट मी टेल यू कि एक करंट अफेयर्स का कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एट अभिमन्यू आई ए एस बाई द वे अभिमन्यू आई एस

आपका करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्ट हो जाएगा पूरी तरह सॉर्ट आपका करंट अफेयर्स राइट आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है साल के एंड में आपके पास एक रजिस्टर बनेगा जिसको आपने नॉर्मल रिवाइज करना है और उससे बाहर आपका करंट अफेयर नहीं आएगा अगर उससे बाहर करंट अफेयर आता है तो ऑल ओवर इंडिया सबके लिए वो एक नो बॉल टाइप चीज़ होएगी कि, कि किसी को भी नहीं आता होगा राइट सो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपकी प्रेपरेशन के लिए हाईली बेनिफिशियल है यू कैन फ्री अप सो मच ऑफ टाइम कि जो आप टाइम आप अपना स्टैटिक के अंदर जो है यूटिलाइज कर सकते हो और कहीं यूटिलाइज कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो कोई पार्ट छूट गया तो वहाँ पे करंट अफेयर्स आपका सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बिखरा हुआ सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं

जो कि आपकी सैटरडे एंड मंडे को आपकी क्लास होती है है ना जिसमें प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स को हम होलिस्टिकली कवर कर लेते हैं प्री और मेंस दोनों के एंगल से सेकंड पे आपको यू गेट वीकली पीडीएफ्स है ना आपको हफ्ते की एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर आपका करंट अफेयर जो है वो पूरी तरह कवर हो जाएगा उस हफ्ते का मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू प्लस उसके अंदर पीडीएफ के अंदर आपको स्टैटिक पोर्शन की रिसर्च भी डन मिलेगी और वो बारी अगर आप जब भी टॉपिक्स वहां से पढ़ते हैं तो वो आपका प्री मेंस दोनों डन कर देता है इट्स डन नाउ है ना जब अगर आप वो वाली पीडीएफ देख रहे हैं नंबर थ्री पे यू गेट वीकली टेस्ट आपको वीकली टेस्ट भी मिलेगा तो जब आप ये टेस्ट देते हैं तो आपने जो कर रखा है है ना रिवाइज करके आप टेस्ट देंगे तो आपका कंसोलिडेट हो जाएगा है ना आपको वैलिडेट हो जाएगी आपकी तैयारी कि आप जो कर रहे हैं वो सही हो जाएगा तो इन थ्री के कॉम्बिनेशन से यू कैन कंसिडर कि आपका जो करंट अफेयर एज अ मॉड्यूल है वो डन हो जाता है राइट right? तो ये एक कोर्स है जिसको आई वुड रिकमेंड कि आप जरूर लीजिए एंड बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक पहुंच गए तो आई गिव यू अ सेवन डेज फ्री ट्रायल एज वेल लिंक इज डाउन देर यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल लिंक पे क्लिक कीजिए सात दिन का फ्री ट्रायल आप अवेल कीजिए जस्ट इन केस आपका कोर्स लेने का नहीं भी मन है ना तो ट्रायल लेके देखिए उसके बाद में यू विल गेट टू नो कि करंट अफेयर पढ़े कैसे जाते हैं किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं आप क्या कर रहे हो थोड़ा सा रेक्टिफाई हो जाएगा तो लिंक डाउन चेक इट आउट। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। अब आते ठीक है जी तो ये सवाल कैसे घूमेंगे कि यार ये प्राइमरी लेवल के ऊपर के लिए है हाई स्कूल लेवल के ऊपर प्रोग्राम इट इज फोकसिंग ऑन हाई स्कूल स्टूडेंट्स ताकि उनका टेम्परामेंट बढ़े इसरो की तरफ स्पेस साइंसिस की तरफ नहीं ये कहां टारगेट कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ फिजिकल साइंसिस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें आपकी फिजिकल साइंसिस एंड टेक्नोलॉजी आपके वो बी ई बी टेक टाइप के कोर्सेज आपके बी एस सी है ना टाइप टाइप्स कोर्सेज जो हैं वो इसमें कवर होते हैं द ट्रेनिंग विल कवर वेरियस डोमेन्स ऑफ स्पेस साइंस इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स टेशन एंड एरानी ठीक है जी ये सब कुछ इसमें कवर होगा इट विल बी डिलीवर्ड बाइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन एक्डीमिया एंड इसरो सेंटर्स ठीक है जी उनके थ्रू ये होगा और जैसा हमने देखा कि यह एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ठीक है तो यह भी ध्यान रखना है कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेसिकली अवेयरनेस के लिए ही है वो इसके नाम में भी है कि एटलीस्ट आपको पता तो हो

एज एन एजेंसी ये भी जो है हमारी इंक्रीज होती जा रही है धीरे धीरे और हमारे को जरूरत पड़ेगी इन इसकी प्रोफेशनल्स की द प्रोग्राम इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इंट्रोडक्टरी लेवल ट्रेनिंग इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिविंग दैम एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट फैसेट्स ऑफ द फील्ड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड करियर ऑप्शन है ना जो आपको बता रहा था कि अवेयरनेस प्रोग्राम किन किन के लिए वो हमने ध्यान रखना है पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तो अगर आप में से कोई है इसका तो जरूर इसमें पार्ट लीजिए आप है ना कंसिडर दिस टू द पॉइंट सीरीज एज एन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर यू गाइज की एक अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके लिए राइट right? चलिए आगे चलते हैं ट्रेनिंग विल ऑल्सो एम्फोसाइज द क्रॉस डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ स्पेस साइंस गिविंग स्टूडेंट्स एन इनसाइट इन टू हाउ इंडिविजुअल एप्टीट्यूड कैन बी अप्लाइड टू द फील्ड आपका किस तरफ इंटरेस्ट है और आप इसरो में कैसे काम कर सकते हैं द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बिल्ड अपेसिटी दैट विल लीड स्पेस साइंस एंड रिसर्च इन द फ्यूचर सिंपल इनफ ज्यादा इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं क्या स्टूडेंट्स के साथ वो कवर करने वाले हैं डिफरेंट फैसेट्स ऑफ एस एन टी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोजर टू रिसर्च ऑन गोइंग इन डिफरेंट इंडियन इंस्टीट्यूट अगेन अवेयरनेस का पार्ट कैसे होगा इनसाइट इन टू हाउ देर एप्टीट्यूड वुड सूट सम ऑफ द ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी

तो ये प्रोग्राम को आप एग्जाम्पल के तौर पे कहीं कहीं फिट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के सवाल कहाँ आ रहा है अगेन इस टाइप की चीज़ हम क्लास में जब डिस्कस करते हैं तो हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि ये फिट हो कहाँ सकता है राइट ऑल राइट सो क्योंकि टू द पॉइंट है हम टू द पॉइंट ही रखते हैं वीडियो को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई नेम इज़ रोहित गर्चा दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन आई